ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कंफर्म टिकट या एप्लीकेशन से तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है कन्फर्म टिकट। ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो हमें यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट में ट्रेन, सेकेंड में फ्लाइट और थर्ड में बस बुक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बुक फ्लाइट, पीएनआर स्टेटस, रनिंग स्टेटस, बस। सी मोड पे क्लिक करते हैं, इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करना है, तो सिंपल यहाँ पे हम ट्रेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है, इसके बाद हमें टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली से पटना सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद हमें डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, किस डेट में हमें टिकट बुक करना है। जिस डेट में टिकट बुक करना है हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट बाद बुकिंग होता है स्लीपर या फिर एसी के। यानी कि जब आप एसी का टिकट बुक करेंगे तो 10:15 बाद बुकिंग स्टार्ट होगा, और स्लीपर के करेंगे तो 11:15 बाद स्टार्ट होगा। तो सिंपल यहाँ पर हम सर्च ट्रेन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो भी ट्रेन होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। महानंदा एक्सप्रेस है, 76 नंबर वेटिंग चल रहा है, और ये जो है आपको 59% चांस है आपका कंफर्म होने का। तो ये बेनिफिट हो जाता है कंफर्म टिकट या एप्लीकेशन से आपको टिकट बुक करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3E में 5 नंबर वेटिंग चल रहा है। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। इसका ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा वेरीफाई करने के लिए, अलाउड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम OTP के लिए वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे फ़ोन में OTP आ चुका है। तो देख सकते हैं हमें ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया है। भी सीट आपको अवेलेबल होगा जिस डेट का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल हमें बुक पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर पैसेंजर का नाम फिल करना है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एज टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अदर नाम आपको सेव करना है तो फिर से यहाँ से सेव कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल देख सकते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको सेव मिलेगा। इसके बाद सीधा स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद सिंपल आपको प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फाइनली पेमेंट ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पेटीएम, भीम, UPI या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करना है। सिंपल मैंने यहाँ पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं जिस बैंक से लिंक है ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद सिंपल पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फोन पे UPI पिन डालेंगे, टिकट हमारा बुक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।